कभी कभी थोड़ी थोड़ी सब्जियां बच जाती हैं, समझ में नहीं आता क्या करें, कच्ची सब्जियां। तो आज बनाएंगी उनका बहुत बढ़िया वेजिटेबल कोफ्ता, जो आपको ये मलाई कोफ्ते से भी ज़्यादा नरम मुलायम बन के तैयार होगा और फटाफट से बन जाएगा। और ये देखिए कितना अंदर से अच्छा बना हुआ है, और इसके साथ आप पूरी पराठा फुल्का किसी भी चीज़ को सर्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कोफ्ता है, किसी को यकीन नहीं होगा कि ये आपने बची हुई सब्जियों से कोफ्ते बनाए हैं। तो देखिए किस तरह से कितने अच्छे और करारे कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। तो चलिए टेस्टी सी रेसिपी शुरू करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आधी कटोरी दही लिया है, इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, साथ में डाल देंगे एक चम्मच सौंफ का पाउडर। सौंफ को हल्का सा मिक्सी में पीस लिया है। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी डाल देंगे। अगर आपको कोफ्ते येलो कलर के पसंद है तो आप आधा चम्मच हल्दी डालिए, और अगर रेड से पसंद है तो 1/4 चम्मच। एक चम्मच नमक और एक चम्मच बेसन डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी इसके अंदर डाल देंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से सारे मसाले लगभग हमने पहले ही डाल लिए हैं, अब हमारा काम फटाफट हो जाएगा। अब आज मैं इन कोफ्तों को बिना प्याज और लहसुन के बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 2-3 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, 8-10 काजू और आधी शिमला मिर्च ली है। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा, उसका हम पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए मेरे पास एक गाजर पड़ी हुई थी सब्जियों की बची हुई, थोड़ा सा गोभी का टुकड़ा पड़ा था, तो मैंने गाजर और गोभी दोनों को अच्छे से धोकर छील लिया। उसके बाद हम इनके छोटे छोटे पीस निकाल लेंगे और इन्हें मिक्सी में अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से इसका चॉपर में चॉप कर लेंगे। ये देखिए हमें इनका पेस्ट नहीं बनाना, बस हल्का हल्का इनको चॉप कर लेना है ताकि कोफ्ते बनाते समय फटे ना। अगर इसमें कोई बड़ा टुकड़ा हो तो हमें पहले ही उसे निकाल देना है। अब मैंने पराठे बनाए थे आलू के, तो उसका मेरे पास 1 कप के लगभग उबला हुआ आलू पड़ा था, वो डाल दिया। थोड़ा सा घर का बना हुआ पनीर पड़ा था, वो भी डाल दिया। अब डाल देंगे थोड़े मसाले, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। थोड़ी सी इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और साथ में डाल देंगे 2 से 3 चम्मच बेसन। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना, सिर्फ 2-3 चम्मच छोटे वाले मैंने बेसन डाला है, क्योंकि बाइंडिंग के लिए आलू और पनीर है तो अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे, आप चाहें तो हरी मिर्च और अदरक भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से एक सॉफ्ट जो है डो कर दो ले लेंगे, क्योंकि हमें इनके कोफ्ते बनाने हैं तो हमें इसे रेस्ट नहीं कराना है। गोभी जो है वो पानी छोड़ने लगती है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम फटाफट से कोफ्ते बनाएं और उनको तल लें। हो सकता है आपको 3 की बजाय 4 चम्मच बेसन लग जाए। आप एक बार इसको चेक करके देख लीजिए कि किस तरह से इसका बैटर बन के तैयार हो रहा है। अब हल्का हल्का हम हाथ इसके ऊपर ऑयल का लगाएंगे और इस तरह से लंबे लंबे कोफ्ते बना लेंगे। वैसे आप चाहें तो इनके गोल कोफ्ते भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी इनके लंबे लंबे कोफ्ते बना रही हूँ, जो देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और खाने में भी, और बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे, वो भी बिना प्याज और लहसुन के। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ सबका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए और आप सारी वीडियोस को देख पाए। बस इस तरह से हम सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। 4 या 5 मिनट का ही टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा और सारे कोफ्ते बनाकर तैयार हो जाएंगे। इतनी देर मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने रख दिया था। अच्छे तेज गरम ऑयल पर पहले हम सारे कोफ्ते डाल देंगे, और जब सारे कोफ्ते डाल देंगे तो उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर लेंगे और इनको सुनहरा होने तक तल लेंगे। शुरू में जब हम कोफ्ते डालेंगे तो हम इन्हें 1 से 1.5 मिनट तक बिल्कुल छेड़ना नहीं है, ताकि इनके ऊपर एक कुरकुरी लेयर बन जाए जिससे इनके फटने का डर खत्म हो जाए। और 2 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छे से सुनहरे तले जाएंगे अपने आप ही और तैरते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे। हमें बिल्कुल भी इनको तलने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। घी अच्छे से ज़्यादा था, मतलब रिफाइंड ऑयल, तो मैंने सारे कोफ्ते पहले थोड़े से डाले थे, और फिर जब वो नहीं फट रही थी और अच्छे से तले जा रहे थे, मैंने बाकी के कोफ्ते भी इसके अंदर डाल दिए। तो एक ही बैच के अंदर सारे कोफ्ते हमारे तलकर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से हमें इन्हें सुनहरा होने तक अच्छे से तलना है। ये कोफ्ते खाने में अभी भी इतने टेस्टी हैं कि आप बिना इन्हें चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन आज हम इनकी सब्जी बना रहे हैं तो इसलिए मैंने इनको कोफ्तों की जो है सब्जी बनाई, और इनको बिल्कुल भी जो है नाश्ते के लिए हम सर्व नहीं करेंगे। कोई मांगे तब भी ना दीजिएगा, क्योंकि वरना कोफ्ते कम पड़ जाएंगे। टोटल ये देखिए आपके सामने 10 कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं, जो कि 5 जनों के लिए, 4 से 5 जनों के लिए काफ़ी हैं।
ये देखिए कितनी अच्छी हमारी सब्जी बनकर तैयार होएगी। अब सारे कोफ्ते जब अच्छे सुनहरे तले जाएंगे तो हम इन्हें दो दो तीन तीन करके प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और कढ़ाई के अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल है उसको भी निकाल देंगे, केवल 2 टेबलस्पून ऑयल रहने देंगे। अब इसके अंदर एक तेज़पत्ता डाल देंगे, 2 छोटी इलायची थोड़ी सी खोल कर डाल देंगे, 8-10 काली मिर्चें डाल देंगे, 2 लौंग डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। ये सारे खड़े मसाले बहुत बढ़िया हमारे कोफ्तों को टेस्ट देंगे क्योंकि आज हम इन्हें बिना लहसुन और प्याज के बना रहे हैं। अब जो दही का पेस्ट हमने बना कर रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे और लगातार चलाते हुए इसको भूनते रहेंगे क्योंकि हमने दही में 1 चम्मच बेसन डाल दिया था तो इसलिए दही के फटने का डर है ही। अब आप नमक डालेंगे तो भी ये बिल्कुल सही रहेगा। अब जो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। पहले हम दही के मसाले को अच्छे से भून लेंगे, उसमें से ऑयल रिलीज होने देंगे, फिर टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इस पर आप इसे थोड़ा सा ढककर पका सकते हैं ताकि मसाला अच्छे से बन जाए और वैसे भी इस अंदर से थोड़ा सा काजू होने के कारण ये तली में चिपकेगा तो इसे बार बार चेक करते रहें और थोड़ा सा ये इसके छींटे भी उछटेंगे तो इसलिए इसे ढककर हल्की फ्लेम पर पकाएंगे तो बहुत बढ़िया मसाला हमारा भूनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लग गया है। इस चीज पर मैंने इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और डाल दिया है और 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल दिया और स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक मुझे लग रहा था कि हमें डालने की ज़रूरत है तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बस इस तरह से ये हमारा बहुत बढ़िया पेस्ट बनके तैयार है और अभी आप भुनने के बाद देखिएगा इसका कलर और जो हम इसे ढककर पकाएंगे तो कितना ज़्यादा इसमें से ऑयल रिलीज़ होगा। ये काजू की वजह से और दही की वजह से तो बहुत बढ़िया हमारा मसाला भुनकर तैयार है। कोई ये देखकर कहेगा ही नहीं इस पे हमने प्याज की प्यूरी नहीं डाली, कितनी अच्छी प्यूरी बनकर तैयार हुई है। बस इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। अब इसे और अच्छा फ्लेवर देने के लिए क्योंकि त्यौहार का दिन था तो थोड़ा सा खोया पड़ा था मैंने, वो इसके अंदर डाल दिया है। खोया डालने से तो इसका रिचनेस और ज़्यादा बढ़ गया है। बस अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। आप चाहें तो इसे ढककर लो फ्लेम पर पका सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि ये जलने ना पाए क्योंकि इसमें हमने काजू डाला हुआ है ना तो ये तली में जल्दी से लगेगा। अब इसके अंदर मैंने 1 कप के लगभग जो है तेज़ गर्म पानी डाल दिया है क्योंकि हमें इसकी जो है ग्रेवी बनानी है और ग्रेवी थोड़ी पतली रखेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि कोफ्ते फटाफट से सॉरी ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब खाना खाने का रियल में टाइम आता है तो उस समय कोफ्तों में ग्रेवी नहीं होती तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप ग्रेवी बनाकर रख लीजिए और जब आपको कोफ्ते सर्व करने हो ना बस उसी समय हमें इसके अंदर कोफ्ते डालने हैं। ये देखिए ग्रेवी बनकर तैयार है। मुझे तो ये अभी बनानी है यानी अभी डिनर के लिए बनाया है तो सर्व करना है तो इसलिए मैंने सारे कोफ्ते इसके अंदर डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा इसके अंदर बचाया हुआ पनीर मैंने इसमें डाल दिया और हरा धनिया। बहुत बढ़िया एकदम बाजार जैसा ढाबे रेस्टोरेंट जैसा हमारे कोफ्ते, ये देखिए कितने नरम मुलायम कोफ्ते बनकर तैयार हुए। बस अब एक एक करके कोफ्ते हम इसके अंदर डाल देंगे और कोफ्ते डालने के बाद हमें इसे पकाना नहीं है क्योंकि बहुत नरम कोफ्ते बने हुए हैं, फटाफट से सारी ग्रेवी को अब्जॉर्ब कर लेंगे। बस इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाला और थोड़ा सा इसके ऊपर ही मैंने पनीर के टुकड़े जो पड़े थे थोड़ा सा ग्रेट करके डाल दिया तो बहुत बढ़िया ढाबा स्टाइल हमारी सब्जी तैयार है। इसे ढककर आप फुलका पूरी पराठा किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए, इवन आप राइस के साथ सर्व करेंगे तो भी इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। देखिए कितने अच्छे हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हुए। बस इसके साथ मैंने तो फुलके बनाए हैं, सिंपल फुलका इसके साथ सबसे अच्छा जाता है। आप चाहें तो सलाद में प्याज काट सकते हैं पर मैंने आज बिल्कुल बिना प्याज लहसुन के क्योंकि त्यौहार का दिन है तो इसलिए बिना प्याज लहसुन के मैंने बहुत बढ़िया जो है कोफ्ते बनाकर तैयार किए। घर में सबको बहुत पसंद आए, उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगी। प्लीज़